जहाँ कैंप में सिर्फ 4 months रह गए हैं, आप में से काफी aspirants का एक concern ये भी है as to what percentile you should be scoring to target your top B school. आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी गेन हो जाएगी एज टू कितने स्कोर्स पे आप कितना परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर टॉप बी स्कूल. डू मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ परसेंटाइल. अ कैप परसेंटाइल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलो अ रिस्पेक्टिव परसेंटाइल. Now, for example, suppose आप 99 percentile score करते हो CAT में. This means कि 99 percentage of students are below this percentile. Okay? This makes you forward of those 99 percentage of students and hence you have scored a 99 percentile. So I hope यहाँ पे you have gained this clarity कि percentile का actual meaning क्या होता है. Now, तो एक quick comparison करते हैं between the score and the percentile needed for CAT. Now, this is an overall score and overall percentile. This means अगर आप overall CAT में इतना score करते हो, तो your overall respective percentile would be this much. Okay? Now, since CAT में the total number of questions is 66, आपके marks is 198. Out of these 198, if you manage to score a marks of 136, you easily score a 100%. ठीक है? वहीं अगर आप इजीली 90 स्कोर करते हो, 90 प्लस स्कोर करते हो, तो यू इजीली गेट अ परसेंटाइल ऑफ 99.4 टू 99.5, जहां से आपको ओल्ड आईआईएम्स एंड टॉप बी स्कूल से कॉल्स आना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज द होल टेबल जहां पे स्कोर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव परसेंटाइल्स मेंशन है. डू मेक श्योर आप ये पूरा टेबल गो थ्रू कर लो सो दैट आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि अगर आप इतना स्कोर करोगे योर रिस्पेक्टिव परसेंटाइल वुड बी दिस मच. ओके, सो दिस वाज अ होल एनालिसिस कि अगर आप ओवरऑल कैट में इतना स्कोर करोगे तो आपका परसेंटाइल इतना होगा. नाउ दैट वी हैव सीन कि ओवरऑल आपको कितना स्कोर करना चाहिए कैट में सो दैट आपका एक टोटल अच्छा परसेंटाइल बने, लेट अस मूव ऑन टू हाउ यू नीड टू परफॉर्म सेक्शन वाइज इन कैट सो दैट आप पर सेक्शन भी एक अच्छा डिसेंट परसेंटाइल स्कोर कर सको. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट let us first see what is the total number of questions जो आपके per section CAT में होंगे and what is the total number of marks that they carry. okay, so VRC में आपके total 24 questions होंगे, LRDI पे there would be 20 and quants में there would be 22. ठीक है, making this a total of 66 questions. ठीक है, now if I talk about the total marks that they carry, 72 in case of VRC, 60 in case of LRDI and 66 in case of quants. ठीक है, making this a total of 198 marks. Now, if you wish to score a 99.5 percentile in VRC, ठीक है, the score should be 45, जो आपको 15 सही questions करने से मिलता है. ठीक है, that means अगर आपके 15 very good attempts होते हैं in VRC session, you easily score a 99.5 percentile in VRC. ठीक है, same goes for LRDI. अगर आप 32 score करते हो, somewhere around this is 11 questions, तो you easily score a 99.5 percentile in LRDI. same goes for quants. 48 score पे अगर आप manage करते हो 16 questions सही करने का, तो you easily score a 99.5 in quants. okay, तो यहाँ पे ये पूरा टेबल मेंशन है एज टू अगर आप इतने नंबर स्कोर्स करते हो पर सेक्शन पे, सो दिस वुड बी द सेक्शनल परसेंटाइल दैट यू वुड बी स्कोरिंग अंडर ईच सेक्शन. ठीक है, डू मेक श्योर आप ये पूरा टेबल अच्छे से गो थ्रू कर लो सो दैट यू डू गेट अ रफ आइडिया कितने गुड अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए पर सेक्शन. ओके, तो अभी तक वी हैव सीन कि ओवरऑल आपको कैट में कितना स्कोर करना चाहिए टू स्कोर अ ग्रेट परसेंटाइल एंड सेक्शनल आपको कैसा परफॉर्म करना है सो दैट आप सेक्शनल वाइज भी अच्छा परफॉर्म करो कैट में. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच लेट्स यू डिसाइड वेदर आप एक कॉलेज कन्वर्ट करते हो या नहीं इज द कैटेगरी दैट यू आर फ्रॉम. ठीक है, तो बहुत बार कॉन्ट्रोवर्सीज इसके अराउंड रिवॉल्व होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एससी एसटी दी बैकग्राउंड कैटेगरीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, बट आईआईएम्स हैव मेड दिस प्रीटी श्योर, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि वो 50% ऑफ द सीट्स हमेशा बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए रखते हैं. सो देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू एक्सेप्ट फॉर स्कोरिंग मोर. आप एफर्ट ज्यादा लगाओ, आप ज्यादा स्कोर करोगे, राइट? सो यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट जिसके थ्रू आपको एक क्लैरिटी गेन होगी कि
कैटेगरी वाइज कितना परसेंटाइल आपको स्कोर करना चाहिए सो दैट आपको आईएएम से या टॉबी स्कूल से कॉल आए. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट एससी एंड एसटी, ठीक है, इफ यू मैनेज टू स्कोर 80-85 प्लस परसेंटाइल आपको इजीली ओल्ड आईएएम से कॉल आ जाते हैं. यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रोफाइल का भी होता है बिकॉज आईआईएम्स आपकी प्रोफाइल भी देखेंगे. इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल डेफिनेटली आपको इतने परसेंटाइल पे कॉल आ जाता है. ठीक है, if you manage to score a 70 plus percentile, you can easily get calls from the new IIMs. 60 plus पे आपको baby IIM से calls आ जाता है. ठीक है, talking about NC and OBC, यहाँ पे 93 plus पे आपको old IIMs and FMS से calls आ सकते हैं. mostly यहाँ पे आपको बहुत competition मिलेगा. in case of profile as well, आपको बहुत सारे ऐसे profiles दिखते हैं who have you know continuously scored a 999 in their academics. सो यहाँ पे काफी कॉम्पिटिशन मेंटेन होता है, हेंस थोड़ा सा टारगेटेड के लिए ज्यादा होता है. ठीक है, एज मेंशन 93 प्लस पे ओल्ड आईएएम्स एंड एफएमएस, 80-85 प्लस पे न्यू आईएएम्स से कॉल्स आ जाते हैं, 70-77-78 प्लस से बेबी आईएएम्स पे. टॉकिंग अबाउट जेंडर गाइस, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. 99 प्लस पे ही आपको ओल्ड आईएएम्स से कॉल्स आते हैं. बहुत बार ऐसा भी होता है कि 99.5 से नीचे भी कोई स्कोर करते तो उन्हें कॉल्स नहीं आते हैं. एंड ऑब्वियसली 90-95 प्लस पे आपको न्यू एंड बेबी आईएएम से कॉल्स आते हैं. ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वुड बी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज बेसिकली इन द ईयर 2013 जितने भी स्टूडेंट्स कैट के लिए अपियर किए थे, आउट ऑफ देम 95,000 स्टूडेंट्स स्कोर जीरो मार्क्स. Right? Even though with the zero marks, they received a 55%. मतलब आप ये सोचो कि 55% of students इससे भी कम percentile पे है. ठीक है, इससे you can imagine one thing कि अगर आप एक mark ज्यादा भी zero से score करते तो वो और आपकी percentile 55 से भी improve हो जाती. So this was pretty much an interesting case that we came across, right? And in fact आईएएम अहमदाबाद ने अपने ये इंफॉर्मेशन में निकाला था कि जो परसेंटाइल था फॉर एसटी कैंडिडेट्स, राइट, इट फेल जो 38.34 परसेंटाइल, मतलब 55 से भी नीचे. मतलब आप ये समझ लो कि द पीपल हु हैव स्कोर जीरो, देयर आर सो मेनी जनरल एसटी एंड एससीज ऑन दिस. ओके, आउट ऑफ दीज जनरल जितने भी एसटी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इससे भी नीचे स्कोर किया, मैनेज टू कन्वर्ट आईएएम अहमदाबाद. तो यू सी कि उनको नेगेटिव मार्किंग पे भी आईएएम अहमदाबाद मिल गया, राइट. ऑल्दो टुडे इन टुडेज सिनेरियो अगर आप जीरो स्कोर करते हो तो यू ओनली गेट अबाउट 23% एलएटी. सो वो बेनिफिट अब आई गेस यहाँ अभी नहीं है स्टूडेंट्स को, बट दिस वाज प्रीटी मच एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी दैट वी केम अक्रॉस. नाउ ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो डिसाइड करते हैं आप कैसे कॉलेजेस कन्वर्ट करते हो, राइट. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये सब डिसाइड करेगा इज हाउ यू आर प्रिपेयरिंग एंड आप कितनी मेहनत से कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट. सो डू नॉट गिव अप. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स सुन के आप ये मत सोचो कि बिकॉज आई हैव अ बैड प्रोफाइल आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद इट. देर आर सो मेनी नॉन आईएएम्स एज वेल, राइट. आप नॉन कैट एग्जाम्स के थ्रू भी इजिली टॉप कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो. डू मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट. सिर्फ 4 महीने रह गए हैं. ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज. Please subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram as well. See you soon.